25 जून को देश में आपातकाल की बरसी मनाई जाएगी और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेगी। भाजपा आपातकाल की बरसी के माध्यम से कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने बताया कि कांग्रेस के राज में 1975 में प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया। इसकी जानकारी जनता को देने के लिए भाजपा ये कार्यक्रम करने जा रही है और इसी दौरान घनश्याम तिवाड़ी को सम्मानित करने के सवाल को लेकर सैनी ने कहा कि आपातकाल के समय जेल में गया किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको सम्मान अवश्य इस मौके पर दिया जाएगा। हम सबके ध्यान में होगा कि 25 जून रात को और आपातकाल लगाया था 1975 में। ऐसे लोग जो हैं उनका हम सम्मान करेंगे और 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया, कांग्रेस की नीयत क्या है देश को चलाने के बारे में, जो बार बार कहते हैं कि हम प्रजातंत्र को मानने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी तो चुनाव नहीं होंगे, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। वास्तव में संविधान हमारे कारण से खतरे में नहीं पड़ने वाला, प्रजातंत्र को कोई नुकसान नहीं होने वाला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।